नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं जिनको अभी तक उनका घर नहीं बना। अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है व्यक्ति अपने घर को बनाने के लिए, और इनका पैसा कौन ले गया, कहाँ पर है, हम लोग इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ हैं उमेश जी। उमेश जी, आप क्यों यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे हैं वो बताएं। देखिए, जेपी में करीब 22,000 से ज़्यादा मकान बुक हुए हैं। लोग बागों ने 2009 से लेके 2011-12 तक बुकिंग करी है, और जिसका अब तक 80-90% अमाउंट दे चुके हैं जी। ये सारा का सारा पैसा, लैंड इनको फ्री मिली है जी। पैसा ये ले चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, मकान हमें नहीं मिले। हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कोर्ट कचहरी, NCLT, NCLAT और NCRCDC। लोग बागे हैं जिन्होंने अपना पूरा कमाई, अपनी पूरी सेविंग रिटायरमेंट के बाद अपना एक घर आशियाना, एक छोटा सा घर NCR में लेने का सोचा। जब आप लोग पैसे भी जमा करा चुके हैं तो आपको घर क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो जेपी बताएगी, पैसे मिल चुके, लैंड फ्री, गया कहाँ पैसा उसका किसी को पता नहीं। अब इन्होंने कहा है बिडर लेके आइए, और बैंक्स उसके फेवर में वोट नहीं करते, और हम लोग बस तारीख पे तारीख झेल रहे हैं। तारीख पे तारीख चल रही है। ये जो आपका धरना है, अगर ये धरना आपका आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो आगामी क्या योजना रहेगी पूनम जी आपकी? आज हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेकर आए हैं ताकि हम फाइनेंस मिनिस्टर और होम अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप पुरी एंड मिस सीतारमन जी के साथ जा मिलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे एक सिग्नेचर कैंपेन भी किया है, जो होम बायर्स हैं उन्होंने सबने उसके ऊपर साइन किया है। यहाँ पे तो कुछ आपके 1,000-2,000 लोग आए हैं, लेकिन 24,000 लोग हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जिन्होंने इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सारी वोटिंग करते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है IBC में जा चुका है, इंसॉल्वेंसी में जा चुका है, उसके तहत हमको हर एक बारी वोटिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बाहर ओवरसीज रह रहे हैं, दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, उनको हम इनकरेज करते हैं, लेकिन कुछ 14-15,000 लोग ही हैं जो इसमें वोटिंग कर पाते हैं, बाकी सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती। इसमें जो एक जो सबसे बड़ा हाथ है कि ये चीज़ बार बार फेल हो रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है IRP का खुद का, जो अनुज जैन हैं, जो कि KPMG से आए हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उसमें 24,000 जो होम बायर्स थे उनके नाम पते जो उनको देने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं दिए, उनको जो उनको बुलाना चाहिए था वोटिंग के लिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। अगर ये 24,000 लोग वोट करते होते तो शायद ये रेजोल्यूशन कब का पास हो गया होता। साथ में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो बैंक्स हैं, वो हर एक बारी इस प्रोसेस को जो है डिरेल कर रहे हैं। पिछली बारी भी उन्होंने, लास्ट ईयर जब ये 2017 में प्रोसेस चला था तब भी उन्होंने 2-3 बिडर्स आए थे, तीनों बिड्स को रिजेक्ट कर दिया था। इस साल भी 3 बिडर्स आए हैं, उनको भी तीनों को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे को ये कह के यहाँ पे भेजा था कि आप इस प्रोसेस को चलाइए, और क्योंकि ये पूरा मैटर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक आपको लेकर जाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन देके भेजा। मैडम ने बोला कि बहुत सारी लोगों की मिली भगत है, तो कौन कौन से लोगों की मिली भगत है, क्या राजनीति पार्टियां भी इसके अंदर इन्वॉल्व है वो बताएं। देखिए, इसमें हम नहीं सीधा कह सकते, पर बगैर राजनीतिक पार्टियों के मिले हुए ये चीज़ नहीं पॉसिबल है जी। क्योंकि जब पैसा होम बायर्स का 82 क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में 50% कॉस्ट ऑफ लैंड होती है और 50% कंस्ट्रक्शन होती है। ऑलरेडी 50% जब से ज़्यादा पैसा जब लोग बाग को से ले चुके हैं तो कहाँ गया वो पैसा? इसका मतलब किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी ना किसी का सपोर्ट मिला हुआ है, जिसकी वजह से आज जितने भी बिल्डर्स हैं दे आर बिहाइंड द बार्स और उनके केसेस चल रहे हैं। हम फॉरेंसिक ऑडिट मांग मांग के थक गए हैं, पर JP पे कोई एक्शन नहीं होता जी। क्या बात है, JP बहुत किसी का सगा है, ये कौन बचा रहा है मनोज गौर को जी। सारे होम बायर्स तो आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि कौन सी पार्टियां इसके समर्थन में हो सकती हैं JP के ग्रुप के? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तो हम नहीं बिल्कुल कह सकते, क्योंकि कोई सामने ही नहीं आया आज तक। मिस्टर योगी ने अपनी तरफ से बहुत बारी कोशिश करी, हम लोगों के पूरे डेलीगेशन को भी उन्होंने UP बुलाया था, हमसे भी मिले थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उनकी बैकडोर मीटिंग भी हुई है मनोज गौर के साथ। वो अगले दिन ही वहाँ पे मनोज गौर पहुँचे हैं। अब बैग लेके पहुँचे हैं कि क्या लेके पहुँचे वो हम कुछ कह नहीं सकते। क्या लगता है कि अगर CM साहब की भी मीटिंग होती है और उसके बावजूद भी आप लोगों को घर नहीं मिल पाते? CM साहब से तो हमारी पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई है जब वो यहाँ पे नोएडा में आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो हर एक बारी कह के चले जाते हैं, क्योंकि ये सारा मैटर कोर्ट के अंडर चल रहा है, NCLT में चल रहा है, तो ये सब जुडिस है, इसमें हम इसलिए कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमारे को सिर्फ लीगल बैटल्स में छोड़ दिया गया है। हम अपनी तरफ से 200-500 रुपये जमा कर करके लीगल बैटल लड़ रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी के अंदर आदमी पैसा जोड़ता है घर बनाने के लिए कि एक घर होगा, एक आशियाना होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस आशियाने के चक्कर को लेने के चक्कर में भी मौत की घाट पे चले गए हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो अभी तक इस आशियाने को लेने के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं? हमारे कम से कम 12 होम बायर्स ऐसे हैं जो दुनिया को नहीं रहे हैं, और 5 के नाम तो आज बोले गए हैं, बाकियों के नाम हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, पर कम से कम 12 लोग हैं जो इशानियों को लेते लेते दुनिया से सुधार गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने अपने मकान कैंसिल कराए हैं पर उनको पेमेंट वापस नहीं दिया। आप लगभग 10 सालों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी मांगें सुनी जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी, और सुनेगा तो कौन सुनेगा उसके बारे में बताएं? इस बारे में कहा तो ये जाता है कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये इंसॉल्वेंसी बोर्ड बना के कुछ नियम बनाए गए, पर इन नियमों में हमें उलझा के रख दिया गया है। इन नियमों के तहत हमें इस तरह से बुरी तरह से उलझाया गया है कि उसमें अभी बैंकर्स का हाथ ऊपर रखा गया है, और ये सारी जो आप देख रहे हैं जितने भी आप घोटाले देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में पैसे से संबंधित, वो सब बैंक्स की मिलीभगत से हुए हैं। कहीं बैंक कहता है कि हमें पॉलिटिकल वो प्रेशर आया कि दीजिए, पर बहुत जगह में बैंक के चेयरमैन ने अपनी मर्जी से ये लोन दिए गए, बिल्डर्स से मिलकर दिए गए, जैसे कि हमारे केस में IDBI बैंक और JP का में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोनों जगह में एक ही बैंक के लोग भी थे और JP के लोग भी थे। IDBI ने उनको लोन दिया, और आज की डेट में हमारी बिट जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में उसको सिर्फ IDBI बैंक मुख्य रूप से अटका रहा है, क्योंकि अगर ये बिट पास हो गई NBCC की सरकारी कंपनी होने के नाते पूरी ऑडिट होगा, और जो लोग फॉल्स या बेनामी संपत्ति वाले उनको मकान नहीं मिलेंगे, और IDBI की जो चोर गुजारी है, और पक्की बात है IDBI के लोग जरूर जेल में जाएंगे, इसी वजह से वो IDBI बैंक हमारी इस बिट को पास नहीं होने दे रहा है। आगामी क्या योजना रहेगी अगर आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जाता है, आप बताएं? सर हम इतना ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और क्या हमारे पास रास्ता क्या है? मैं सर मैंने 40 साल हंगर स्ट्राइक जरूर जारी होगी। आप भी कुछ कह रहे थे मैडम? हाँ, हम इसी तरीके से एजिटेशन करते रहेंगे, और इसी तरीके से हम अब अनशन भी करना शुरू कर देंगे, फास्ट ऑन टू डेथ भी करेंगे जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। हम नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट आके हमारे को बेल आउट करे, लेकिन अगर IDBI ने घपला किया है तो उसको पनिश भी तो करे, उसका सोल्यूशन भी तो हमारे को दे। अभी तो नेक्स्ट स्टेप है EMI को स्टॉप करेंगे, हम किस चीज़ की EMI दे जब हमें यही नहीं पता कि हमारे मकान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्डर्स को कैसे, बैंक्स कैसे सर्टिफाई कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप EMI, ऑल बैंक्स विल बी अफेक्टेड एंड द गवर्नमेंट विल बी। आज ये लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ धरने प्रदर्शन पर आ चुके हैं, क्योंकि इनको अपना घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जितना भी अपने जमा पूंजी जोड़ी थी वो सारी JP ग्रुप को दे दी है, और इन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांगना जाता है तो हम लोग भूख हड़ताल तक पे भी जाएंगे। हमारे चैनल से बात करें इसके लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।